गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने फ़ोन के अंदर किस तरीके से नोटिफिकेशन सेटिंग्स कर सकते हो, नोटिफिकेशन हाइड कर सकते हो, नोटिफिकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे करना रहता है ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहेगा। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे नोटिफिकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐप नोटिफिकेशन का एक सेटिंग मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस सारी आपको एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप गाइस जिस एप्लीकेशन की आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे और गाइस यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको ऑफ कर दोगे। यहाँ से हमने डायरेक्टली ऑफ कर दिया तो इस एप्लीकेशन की आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके, आप अपने हिसाब से अगर इसको कस्टमाइज़ कर लोगे कि किस चीज़ की आए किस चीज़ की नहीं आए, ऐसे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो नहीं आएगी, ठीक है। फेसबुक कार्ड का नहीं चाहिए नहीं आएगा। इस तरीके का अगर आपको कस्टमाइज़ कर लोगे तो कस्टमाइज़ भी हो जाएंगी, बट यहाँ से आप डायरेक्टली ऑफ कर दोगे तो डायरेक्टली ऑफ भी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अगर इसको इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन आती है ऊपर से, यहाँ से हम हटा देते हैं जो नोटिफिकेशन, वो आप यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर चेक कर पाओगे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अगर चाहोगे आप तो जैसे कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है, आप सिंपल तरीके से हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन करना चाहोगे तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर लोगे। डोंट शो एनी नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी आपको। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल रही है आपको, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखोगे तो आपकी स्क्रीन वेक करेगी जब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे यहाँ पे, जैसे कि हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार, अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे यहाँ पे तो आप सिंपल तरीके से आपकी जो नोटिफिकेशन है गाइज वो साइलेंट होके आएगी, ठीक है, स्टेटस बार में ऊपर आपको आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आई होप कि आपको नोटिफिकेशन की सेटिंग समझ में आ गई होगी। डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन बंद करनी है किसी भी एप्लीकेशन की, आपको उस पर क्लिक करना है, ऐप सेलेक्ट करना है और ऐसे ऑफ कर देनी, बात खत्म हो गई। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर किसी अगली मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।